हमने ना छोटी भाभी को ये बता रखा है कि हम सब लोग मंदिर जा रहे हैं, यही ना बताया गया है ना। पर एक कमी बहुत ज्यादा खल रही है, वो ऐसा कर रहा है ऐसे नहीं लग रहा ये मंदिर है, बट हम आपको बता दे रहे हैं ये है रेस्टोरेंट। जय श्री राम, चैंस का यानी कि बात से ज्यादा की बंदी है ना, बात से ज्यादा की बंदी। अरे बंदी वाले पता नहीं। और गाइस आप लोग बोलते हैं ना कि छोटी भाभी ब्लॉग में नहीं देखते, इसका मेन कारण ये है। तो हे गाइस, व्हाट इज अप, वेलकम बैक टू द व्लॉग। तो भाई आज है छोटी भाभी की एनिवर्सरी एंड टाइम हो रहा है ढाई। पिछले व्लॉग में देखा होगा कि हम थोड़ा सा बाहर जा रहे थे केक का ऑर्डर देने के लिए एंड कुछ चीज़ें से पैक करानी थी, तो जो हमें गिफ्ट पैक कराना है वो है इतना बड़ा। अभी तो ये जो है पेपर में रैप है, जल्दी से चल के इसकी पैकिंग करा लेते हैं चल के, और ये जो है छोटी भाभी ही खोलेंगी तभी आपको देखने को मिलेगा। तो चलो जल्दी से चलते हैं भाई। इतना बड़ा गिफ्ट था और शीशे शीशे वाला है, तो हम तो भाई पकड़ के ला नहीं पाते, इसलिए आते भैया को बुला लिया। तो चलो इसे पैक कराते हैं। फाइनली यार अपना गिफ्ट पैक हो गया। और यार ये जो गिफ्ट अभी हमने पैक कराया है ये मेरी तरफ से नहीं है, ये जो गिफ्ट है ये है बड़ी भाभी की तरफ से छोटी भाभी के लिए। तो जब इसकी अनबॉक्सिंग होगी तभी देखेगा, और अभी तक मैंने कुछ नहीं लिया। मेरे को भाई समझ ही नहीं आ रहा मैं लूँ क्या, बस मेरे साथ यही दिक्कत है कि मेरे को कभी कुछ नहीं समझ आता कि किसी के लिए मैं गिफ्ट लूँ तो लूँ क्या। तो अभी जा रहे हैं मार्केट, के ऑर्डर देते हैं, जो पसंद आएगा ले लेंगे भाभी जी के लिए, और क्या बताएं यार। अब चलो भाई जल्दी से चल के ऑर्डर देके आते हैं भाई, बहुत ज्यादा टाइम हो गया, 3 बज गया, पता नहीं भाई केक बन पाएगा नहीं बन पाएगा, वैसे बना देगा जुगाड़ है अपनी वहाँ पे। तो बेकरी तो पहुंच गए, चलो भाई यहाँ पे अपना केक का ऑर्डर देते हैं। 2-3 गिफ्ट शॉप और मैंने देखी, मेरे को कुछ नहीं समझ में आया, फिर एक गिफ्ट शॉप पे मेरे को कुछ पसंद आ गया है जो कि मैं पैक करा रहा हूँ। सो फाइनली यार गिफ्ट भी लेके आ गए एंड केक का भी ऑर्डर देके आए। एक्चुअली जिस बेकरी पे हम गए थे ना वहाँ पे आज कारीगर थे नहीं, तो उन्होंने बोला था कि भैया कुछ कन्फर्म नहीं है, हम आपको 6-7 बजे तरफ बताएंगे। तो बड़ी धक धक हो रही केक मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। तो और बाकी हमने एक बेकरी पे और बात कर रखी है, वहाँ पे बस हमें कॉल घुमाना होगा और तुरंत केक अपना तैयार हो जाएगा अगर वहाँ नहीं मतलब बन पाएगा, ठीक है। तो एक बार घर जाके मैं फिर से आया हूँ खाना रेस्टोरेंट, जहाँ पे आज रात में पूरी फैमिली आने वाली है, कुछ बात करनी थी वो बात कर लेते हैं फिर चलते हैं घर, यार अभी बहुत काम है मेरे पास। तो यहाँ से हमें बात करनी थी वो बात कर ली है, तो अब सारे काम हो गए हैं, अब बस घर चलना है। अब सीधे रात को नहा धो के आएंगे, सबसे पहले जाके व्लॉग एडिट करके अपलोड करते हैं। और आप कुछ दिनों से देख रहे होंगे हम बिल्कुल जंगली टाइप के लग रहे हैं, दाढ़ी देखो कितनी बड़ी हो गई, बाल देखो कितने बड़े हो गए। और अभी हम ये बाल दाढ़ी कटवाएंगे अभी नहीं, ये अब हम सीधे कटवाएंगे 7 तारीख को, 8 तारीख को मीटअप है ना, अब फिर मीटअप में बढ़िया से सुंदर बन के जाएंगे, और उसके बाद हमें पुआएं भी आना है तभी इकट्ठा ही सब कराएंगे। यार अभी कटाने का मन नहीं हो रहा, अभी गाइस कबीर सिंह बनेंगे कबीर सिंह, लेकिन कबीर सिंह बनने के लिए प्रीति भी होनी चाहिए। भाई यार बिल्कुल भी टाइम का पता नहीं चलता है, 6:40 हो गया, मैं इतनी देर से व्लॉग एडिट कर रहा था, पूरा व्लॉग एडिट हो चुका है, साउंडिंग रेंडरिंग अपलोडिंग करना बचा है, 1 घंटे का काम अभी भी है, और 8 बजे हमें वहां जाना भी है। मेरे को कुछ समझ ही नहीं आ रहा भाई मैं कैसे करूं, हाय रे अभी केक भी उठाने के लिए जाना है। भाई डेली व्लॉगिंग करने में ना जूझ जाता है इंसान, मैं सच बता रहा, मेरी आंखों में इतनी ज्यादा नींद भरी है, कल रात में मैं सिर्फ 4-5 घंटे सोया हूँ, इतना ज्यादा थका हूँ, पर यार अभी बहुत काम है, कैसे सब होगा मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा यार। और चलो काम पे लगते हैं जल्दी से। 8 PM इन द नाइट, भाई बहुत ही ज़्यादा भसड़ मची थी, केक जो था हम ले आए अभी फिलहाल वो हमारे घर पे रखा हुआ है, एंड अभी हम और गुनगुन जा रहे हैं उस केक को वहीं रेस्टोरेंट में देने के लिए, बिकॉज हमने ना छोटी भाभी को ये बता रखा है कि हम सब लोग मंदिर जा रहे हैं, यही ना बताया गया है ना। तो छोटी भाभी तैयार हुई, उन्हें कुछ भी नहीं पता है कि हम लोग क्या करने वाले, वो तो भाई तैयार हो रही मंदिर जाने के लिए। तो फिलहाल अभी पूरी फैमिली अंदर तैयार हो रही, लेकिन सबसे पहले चल के हम और गुनगुन वहाँ पे केक रखाते हैं, बिकॉज केक लेके थोड़ी मंदिर जाएंगे, इसलिए पहले केक वहाँ पे पहुँचा दे रहे हैं जाके। और जो हम लोगों ने थोड़ा बहुत बोला था बलून वलून लगाने के लिए, वो भी देखने चल के कि वो लगाएं या नहीं लगाएं। एक्चुअली इतनी देर हमें इस वजह से और हो गई कि जो हमारी भाभी जी थी ना वो कल गई थी सदरपुर, तो वो भी अब आ चुकी है सदरपुर से, बिल्कुल अभी आई है, वो भी चेंज कर रही है। तो जैसे वो चेंज कर लेते हैं फिर हम लोग पूरी फैमिली चलेंगे। व्लॉग मैंने बस अभी अपलोड किया है, तो व्लॉग 8:30 बजे लाइव हो जाएगा, चला जाए। केक रखा है चल के, चलो। समझ में कुछ आ नहीं रहा था क्या पहने, तो व्हाइट कलर की शर्ट ब्लैक कलर की फॉर्मल पैंट, तो यही फॉर्मल लुक बना के चल रहे हैं। क्या क्या वेटर लगते हैं, गजब बेइज्जती है। ये रहा वो केक जो कि बहुत ही मस्त बना हुआ है। एक्चुअली हमने ना ये एक दूसरी बेकरी से बनवाया, वहां से उन्होंने मना कर दिया था। भाई यार मैंने घर में बोला था कि 8 बजे सब तैयार हो जाना, लेकिन हमारे घर में पता नहीं क्या आप सब तैयार होना चालू किया है, और यहाँ पर भी हमने भैया से बोल दिया था कि हम लोग 8 बजे आ जाएंगे, ठीक है, लेकिन भाई देखना 8:30 बजे के बाद ही हम लोग आ पाएंगे। तो केक जल्दी से रखा देते हैं, फिर छोटी भाभी को मस्त सा सरप्राइज देते हैं। पर एक कमी बहुत ज्यादा खल रही है, वो है सागर दादा की। सागर दादा भाई है ही नहीं, क्या बताएं,
सेट लाइफ। मतलब बताओ, अपनी फर्स्ट मैरिज एनिवर्सरी में कोई इंसान घर पे नहीं है, यही होता है गाइस जब कोई आदमी फौज में होता है यार। केक हमने दे दिया, केक भैया ने ऊपर फ्रीजर में रख दिया, और भाई यहाँ पे ना जीने बहुत हैं, थके जा रहे हैं यार। कोई बात नहीं, इतना खाओगी ना यहाँ पे तो उसका पच भी तो जाएगा ना जब उतरोगी ऐसे। का है क्या इतना खाने की जरूरत, क्या है कम कम खाना। यहाँ की लाइट बंद कर दी यार। तो यार हम घर आए और घर में लाइट ही चली गई, वहाँ पर भी जो लाइट बंद हो गई थी ना सोचा सो गई, बिकॉज वो हमारे रोडी पे है ना, तो लाइट ही चली गई पूरे यहाँ मोहल्ले की। पर घर में सब लोग तैयार हो रहे हैं, ऑलमोस्टली हो चुके हैं, टाइम भी भाई 8:30 हो चुका है। तो गाइस हम जो है छोटी भाभी को लेके पहुँच चुके हैं यहाँ पे रेस्टोरेंट में। वैसे नहीं लग रहा ये मंदिर है, बट अब हम आपको बता दे रहे हैं ये है रेस्टोरेंट, ठीक है। एक छोटा सा सरप्राइज आपके लिए प्लान किया गया है। तो अभी बाकी फैमिली मेम्बर्स आ रहे हैं, बस ज़्यादा दूर घर नहीं है, बहुत ही पास में है, तो बाकी जब सब लोग आ जाते हैं फिर चलते हैं ऊपर। बस 2 मिनट नहीं लगे होंगे कि सब लोग पहुंच भी गए, वाह ग्रेट सक्सेस। अब चलो चलते हैं ऊपर। आइए मैम 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 पकड़िए मैम, कहाँ तब चलिए। भाई ये लोग जीना चढ़ते चढ़ते थक गए हमें लग रहा है, ज़्यादा नहीं बस 2 फ्लोर था। ये रही हमारी सीट जो कि हमारे लिए रिजर्व कर दी गई थी 8 बजे से, और अब टाइम हो रहा है 9। वाह आइए मैम 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 बैठिए आके, मैम बैठिए आप भी बैठिए मैम, आप भी बैठिए मैम। तो सब लोग यहाँ पे बैठ चुके हैं, अब चलो केक लेते हैं जो भैया हम केक ले जाते हैं। अभी यहाँ पे हम लोगों ने केक कट किया एंड उसके बाद थोड़ा बहुत अभी उन लोगों ने एंजॉय किया, एंड अभी ना हम लोगों ने खाना ऑर्डर कर दिया, बिकॉज मैंने पूछा भाई किसी से तो भाई यहाँ पे कोई स्टार्टर लेने के लिए तैयार ही नहीं भाई, क्योंकि कह रहे हैं कि अगर हमने स्टार्टर खा लिया ना तो हम खाना नहीं खा पाएंगे, तो सीधे हम लोगों ने खाने का ही ऑर्डर दे दिया थोड़ा बहुत, तो वो अभी बनने के लिए गया है। और बताइए आपको कैसा लगा ये सरप्राइज है? बहुत अच्छा लगा, लेकिन बस सागर दादा नहीं है, सागर दादा को मिस किया जा रहा है। चलो सागर दादा को वीडियो कॉल करो, फोन उठाओ वीडियो कॉल करो। हेलो जय श्री राम, चैंस पे दादा वीडियो कॉल करिएगा। बॉयस अभी सागर दादा जो है बस वीडियो कॉल कर रहे हैं थोड़ी देर में। थोड़ी देर अभी मस्त यहाँ पे गाने आने बजे, हम लोगों ने बैठे सुने, पर अभी तक यार पता नहीं सागर दादा की कॉल नहीं आई। एंड अब शायद डिनर भी हम लोग का बन के आने वाला है, बिकॉज भैया जी जो हैं प्लेट्स ले आए हैं, तो बैठ जाते हैं। देखो दादा की शायद कॉल खा रहे होंगे तभी आएगी। जय श्री राम चाइस पर, ये देखो भाई। अभी हम ना यहाँ पे बैंकर वाला फोटोशूट कर रहे थे सागर से बात करने के बाद, कि तब तक लो हमारा खाना भी आ गया। तो भाई अपनी नान सब कुछ आ चुका है, तो बस अब खाना एंजॉय करते हैं, ठीक है। व्लॉगिंग बंद करते हैं, कभी कभी व्लॉगिंग बंद कर देनी चाहिए, तुम्हारे गले को क्या हो गया यार। तो भाई फाइनली हम लोगों ने खाना खा लिया, एंड खाना ना भाई यहाँ पे एक नंबर था। अभी बाकी मम्मी खा रही हैं, अभी मम्मी बची हैं, लो मम्मी ने भी खा लिया है। क्या तुमने कहीं पहली बार देखा है? हैंड ड्रायर ही तो है, तो इसमें कैसी खासी चीज है तुम ऐसे कर रही हो? है गरम गरम है लग रहा है, इतनी गर्मी में और कितना गरम करोगे? चलो भाई सबने खाना तो उड़ा दिया है, एंड अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं? अब हम लोग आइसक्रीम खाने जा रहे हैं, तो आइसक्रीम का ऑर्डर लेके भैया गए अभी सबके लिए, मस्त सी आइसक्रीम लेके आ रहे हैं। कौन सी आइसक्रीम लेके आ रहे हैं? बटर स्कॉच। वैसे बाकी सब बातें तो सही है, हमारी यहाँ पे पूरी फैमिली है, बस नानी नाना नहीं आ पाए, बिकॉज वो तो कहीं जाते ही नहीं है, और बड़ी भाभी यानी कि बादशाह दादा की बंदी है ना, बादशाह दादा की बंदी। अरे बंदी माने पत्नी, बंदी माने पत्नी, धर्म धर्म। अरे यार बंदी धर्म पत्नी है कि बंदी तुम्हारे लिए सही है? अरे नहीं, हम लोग अभी छोटे बच्चे हैं यार, बंदा ये नहीं। देखो जो पत्नी होती है वो बंदी भी होती है, सब कुछ होती है। पत्नी जो होती है बंदी तुम्हारे लिए। नहीं नहीं मेरे। तो भाभी जी क्यों नहीं आई? गिव सम रीजन।
ड्यू टू सम रीजन नहीं, एक्चुअली उनकी ना थोड़ी सी तबीयत खराब चल रही है, उनको फीवर वीवर आ रखा है, तभी मतलब कल ना उनके फीवर आया था तो उनके पैर दर्द हो रहे थे और यहाँ पे ना जीने बहुत ऊँचे हैं, तभी उनको दिक्कत थी तो उन्होंने कहा नहीं आएंगे। एक्चुअली नानी नाना के पास भी तो कोई होना चाहिए ना, तभी वो रुक गई, लेकिन हम उनके लिए लेके चलेंगे आइसक्रीम। आज आप बड़े शांत आते हैं, आज आप फोटोज नहीं खा रहे, हमें कुछ बात समझ नहीं आ रही भाई, हमारी कमी आप पूरी कर रहे हैं। जितनी देर में हमने बासुरा से बात करी तब तक जो है हमारी सारी आइसक्रीम भी आ गई है। बटर स्कॉच भाई, बटर स्कॉच इज लव गाइस। गुनगुन दीदी कैसी लगी? अच्छी तो लगेगी। मैंने आपको एक बात बताता हूँ, ये जो है आइसक्रीम का बिल्कुल छोटा सा बाउल है, एंड इसकी आप प्राइस गेस कीजिए कितना होगा। बस उधर कितना होगा इसका प्राइस, क्या लगता है आपको? मुझको बस खाने से मतलब है, इसकी चिंता तुम करो भाई। नहीं चिंता नहीं करो, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ भाई, ये जो इतना छोटा सा बाउल है ना, ये है 60 रुपीज का भाई, इतनी तो शादी में मिल जाती है लोगों को हमें लगता है भाई। तो भाई आइसक्रीम भी उड़ा ली, अब चलो चलते हैं घर, मजा आई। एक्चुअली हम लोगों ने बिल्कुल थोड़ा सा केक काटा, पूरा का पूरा केक बच गया। तो मैंने आपको सजेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपको अपनी फैमिली के साथ कभी भी आना हो ना, तो आप आंख बंद करके यहाँ पे आ सकते हैं भाई। इनकी सर्विस भी बहुत अच्छी है एंड इनका भाई खाना भी बहुत अच्छा है। फर्स्ट टाइम यहाँ आए और दिल खुश हो गया मेरा तो। और बताओ छोटी भाभी, आपने बताया नहीं, मजा आई? सही बता रहे हैं, इसे मजा आई नहीं है। और गाइस आप लोग बोलते हैं ना कि छोटी भाभी व्लॉग में नहीं दिखती, इसका मेन कारण ये है कि छोटी भाभी को पसंद ही नहीं है व्लॉग में आना, और जिसको पसंद नहीं होता उसको हम नहीं लेते, लेकिन धीरे धीरे करके छोटी भाभी भी आने लगेंगी, इनका ज्यादा मन नहीं होता तभी भाई देखो मैं लेता नहीं हूँ, पर धीरे धीरे आने लगेंगी, है ना? आने लगोगी नहीं आने लगोगी बताओ? समझ रहा है गाइस। तो फिलहाल हम इस व्लॉग को यही पेंट करते हैं, बिकॉज़ ये व्लॉग ना काफी ज्यादा बड़ा हो रहा है। अभी घर जाके गिफ्ट विफ्ट की अनबॉक्सिंग भी होगी, थोड़ी बहुत और मस्ती होगी, वो सब जो है आप अगले व्लॉग में देखिएगा, ये काफी बड़ा था इसीलिए इसको यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, मिलेंगे आपसे जल्दी ही। और हाँ, हमारा चैनल जो है 10 तारीख को 1 साल का होने वाला है, एंड बस कुछ ही सब्सक्राइबर चाहिए, कुछ ही 70-80 सब्सक्राइबर चाहिए 2K होने में। तनिष्क आर्मी जल्दी से 2K सब्सक्राइबर करा दो, ठीक है? गुड नाइट।